इस मूवी की शुरुआत में एक लड़की दिखाई गई है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होती है और छोटे से टाउन से होती है, जिसका नाम मेलिना है। ये जिस टाउन में रहती है वहाँ की सबसे सुंदर लड़की होती है, तो वहाँ के जितने भी लेडीजें होती हैं वो सब उससे जलती होती हैं, और जितने भी मेल होते हैं, जो आदमी होते हैं, वो सब उसको प्यार करते हैं, और वहाँ का हर मर्द यही चाहता था कि वो उसकी हो जाए। इसी टाउन में एक लड़का रेनेटो भी रहता था जो कि उससे एज में काफी छोटा था। एक दिन रेनेटो न्यू साइकिल लेता है और अपने फ्रेंड्स को दिखाने जाता है। उसके दोस्त उसको बताते हैं कि यहाँ से मेलिना गुजरने वाली है। वो सब उसको देखना चाहते थे, इसीलिए एक जगह इकट्ठा होके बैठ जाते हैं। और जब वहाँ से मेलिना गुजरती है तो रेनेटो जब उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है और उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाता। और जब वो वहाँ से गुजर जाती है तो साइड पर जाकर कोने से उसको देखने लगता है। यहाँ तक कि जब वो शहर के अंदर पहुँच जाती है तब भी वो उसके पीछे पीछे उसको देखता रहता है और वहाँ भी है। मेलिना के फादर एक टीचर होते हैं जिनको कानों से सुनाई नहीं पड़ता है और ये सारे बच्चे उनके स्टूडेंट थे। और फिर दिखाया जाता है कि मेलिना के फादर के सामने ही ये बच्चे मेलिना को टेस्ट करके उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। रेनेटो मेलिना के घर जाता है और एक होल करके उसी से देखने लगता है, जहाँ पर मेलिना उदास बैठी होती है। यहाँ पर हमें मालूम होता है कि मेलिना का जो हस्बैंड होता है वो एक वार के दौरान चला गया होता है और अब तक वापस नहीं आया होता है। और दूसरी तरफ हमें रेनेटो के कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं जो मेलिना के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। एक बार उसने मुझसे सिगरेट मंगवाया था। और टाउन के बाकी लोग भी यही बोलते हैं कि मेलिना एक अच्छी औरत नहीं है। इस मूवी में ये बताया गया है कि एक अकेली औरत के बारे में आखिरकार लोग क्या क्या सोचते हैं और किस तरीके की बातें बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि जो रेनेटो होता है वो मेलिना को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था। लोगों की बातें सुन सुन के कि वो अच्छी औरत नहीं है और सबसे खुलकर बातें करती है, तो रेनेटो भी उससे कुछ इमेजिन करने लगा था। वैसे तो वो टीनेजर ही था, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ी बड़ी और गंदी गंदी बातें सोचने लगा था, और इसीलिए उसने अपनी फादर की पैंट कटवा कर खुद पहन ली और वो शॉर्ट्स में सरमाया भी करता था। इस बात को लेकर उसके फादर उस पर बहुत गुस्सा हुए और कई बार उसको मार भी पड़ी, लेकिन रेनेटो फिर भी बाज नहीं आया और उसने दिन रात बड़े लड़कों की तरह मेलिना का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। वो एक होल से मेलिना को अक्सर देखा करता था, लेकिन मेलिना को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। फिर अचानक एक दिन मेलिना को खबर मिलती है कि उसका शौहर वॉर में मारा गया है, जिसको सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हो जाती है और लेटकर रोने लगती है। और यहाँ पर फिर हमें पता चलता है कि वो अपने पति को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और जब उसे पता चला कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा तो उसका इंतजार खत्म हो गया था। और वो खुद भी ये सोचते हुए कि अब मैं इस घर में रहकर क्या करूंगी, वो अपने फादर के घर पे शिफ्ट हो जाती है। फिर एक दिन रेनेटो एक जगह पर काम कर रहा होता है, वहाँ पर वो सुनता है कि कुछ लोग मेलिना के बारे में बहुत बैड वर्ड यानी कि गंदे शब्द बोल रहे हैं। वो सोचता है कि मेलिना की सच्चाई तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ और मुझे ही अब सबको बताना पड़ेगा कि वो बुरी औरत नहीं है और वो अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। रेनेटो फिर से उसे देखता है और इमेजिन करता है कि उसके पास आ गया है और उससे बोलता है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे कुछ साल दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊँ। इसके बाद वो चर जाता है और गॉड से बोलता है, तुम मेलिना का ध्यान रखना, इसके बदले में मैं डेली यहाँ पर आऊँगा और कैंडल जलाया करूँगा। फिर मेलिना के फादर को एक लेटर मिलता है, उसमें लिखा होता है कि मेलिना का टाउन के हर लड़के के साथ अफेयर चल रहा है और तुम्हारी बेटी एक अच्छी औरत बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और मेलिना को अपनी बेटी से बोलने से ही इनकार कर देते हैं। वो मानना ही नहीं चाहते कि वो मेरी बेटी है, उसे वहां से जाने के लिए बोल देते हैं। मेलिना एक बार फिर से अकेली हो जाती है। रेनेटो को जब इस बात का पता चलता है कि मेलिना फिर से अकेली रहने लगी है तो वो फिर से डेली आकर उसको देखने लगता है। और एक रात जब वो मेलिना के घर जाता है तो वो देखता है कि उसके घर में एक पुलिस ऑफिसर भी है। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका अफेयर चल रहा हो।
रोनेटो को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि मैंने तो इसे एक अच्छी औरत समझा था और मैं तो दूसरों को भी बताने वाला था कि ये एक अच्छी औरत है। उससे अपनी आंखों पर तो यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर वो पुलिस ऑफिसर उसके घर से जब बाहर आता है तो रोनेटो छिप जाता है और पुलिस ऑफिसर जब बाहर आता है तो उसे एक डॉक्टर भी मिलता है। वो बोलता है कि मेलिना तो मेरी प्रियॉन से है, तो फिर तुम अंदर क्या कर रहे थे। इस बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और फौरन वहां पर पुलिस आ जाती है। इसके बाद टाउन में ये बात पूरी जगह फैलने लगी थी कि मेलिना का एक शादीशुदा इंसान के साथ में अफेयर है और इसके लिए उसे जेल भी जानी पड़ सकती है। इस बात से मेलिना काफी परेशान हो जाती है और वो लॉयर के पास जाती है कि मेरी मदद की जाए। मेलिना का लॉयर उसका केस जीत जाता है और ये पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीत जाने के बाद में वही लॉयर मेलिना से को सेड्यूस करने की कोशिश करता है, उसे जबरदस्ती करता है। मेलिना उसे बहुत रोकती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती है। रेनेटो एक होल से उसे देख रहा होता है और वो बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है मेलिना के फादर एक सफर पर गए हुए थे और उनका प्लेन क्रैश जाता है। मेलिना को इस बार जब पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि अब उसके पास कोई भी नहीं रहा था जो उसके फेवर में बात करे। मेलिना को उसके हस्बैंड की वजह से जो पेंशन आती थी वह अब बंद हो चुकी थी क्योंकि उसके हस्बैंड की अब डेथ हो गई थी और अब मेलिना के पास पैसे भी खत्म होने लगे थे। बहुत सोचने के बाद भी अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो सीजर उठाती है और अपने बाल काटने लगती है और सोचती है कि जब मुझे दुनिया बुरी औरत बोलती है तो क्यों ना अब मैं बुरी औरत ही बन जाऊं। रेनेटो जब ये सब देखता है तो उसे बहुत बैड फील होता है और वो परेशान रहने लगता है और उसने अब खाना पीना भी छोड़ दिया होता है। फिर जब उसके फादर को पता चलता है फिर वो वही करते हैं जैसा कि वो चाहता था। फिर हम देखते हैं कि मेलिना बुरी औरत में बदल गई है और टाउन के सारे आदमी उसके पास जाया करते हैं और इसकी वजह से उन आदमियों की बीवियों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं और फिर मेलिना के पास भी आती हैं और उसे बहुत मारती हैं और टाउन से बाहर भी निकाल देती हैं। फिर दिखाया जाता है कि मेलिना का जो पति है वो वापस आ गया है, यानी कि वो अभी तक मरा ही नहीं था और किसी ने इसके बारे में गलत खबर फैलाई थी। वो अपने घर जाता है और देखता है कि मेलिना तो अब कहीं भी नहीं है। वो सब जगह ढूंढता है और उससे मेलिना कहीं नजर नहीं आती है और उस घर में भी कोई और लोग रह रहे थे। वो सबसे पूछता है तो सब उसे बताते हैं कि तुम्हारी बीवी तो बहुत बुरी औरत बन चुकी है और अब वो यहाँ नहीं रहती है। और जब ये सब पता करने वो अपने फ्रेंड्स के पास जाता है तो उसके दोस्त भी उसका साथ नहीं देते हैं और उसकी काफी इंसल्ट भी करते हैं कि कैसे मर्द हो तुम, और उसे थप्पड़ भी मारते हैं और वो गिर जाता है। और रेनेटो को ये सब देख के बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं इन सबको बताऊं कि मेलिना कैसी औरत है और वो आखिर बुरी औरत क्यों बनी। फिर रेनेटो उसे खत लिखता है और वो बताता है कि मेलिना बिल्कुल बुरी औरत नहीं है बल्कि उसे तो बनाया गया है। गाँव वालों ने उसके बारे में बहुत बुरी बुरी खबर फैलाई जिसके बाद वो बहुत परेशान रहती थी और उसमें सब कुछ बता दिया होता है उसने जो उसके साथ हुआ होता है और कैसे उसे लोगों ने यहाँ से निकाल दिया। मेलिना को के हस्बैंड को ये सब पढ़कर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बीवी को लेने के लिए वापस जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बीवी के साथ चलता हुआ वापस उसी टाउन में आता है लेकिन अभी भी सब लोग उन्हीं की तरफ देख रहे थे लेकिन उनकी नजरों में अब कोई ताना और बुराई नहीं थी क्योंकि अब उसका पति उसके साथ था। क्योंकि अब अगर वो लोग गलत बात करते तो मेलिना का पति उनको नहीं छोड़ता। टाउन वाले उनकी फिर से रिस्पेक्ट करने लगे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि रेनेटो मेलिना से आखिरी बार मिलता है। मेलिना के हाथ से कुछ चीजें नीचे गिर जाती हैं तो रेनेटो उसे उठाकर देता है। वो मेलिना से बोलता है कि मैं दुआ करूंगा कि आपकी आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी गुजरे। इसके बाद वो दोनों अपना अपना रास्ता ले लेते हैं। पर रेनेटो हमें फिर से खुद से ही बात करता हुआ दिखाया जाता है। वो बोलता है कि बुरा वक्त गुजर गया और मेरा दिल तुम पर आया और मैंने उन्हें पसंद किया। मेरा दिल बहुत सी लड़कियों पर आया, वो सभी मुझसे पूछती हैं क्या तुम मुझे
याद रखोगे? मैंने उन्हें ऐसे ही हाँ कह दिया, लेकिन एक वो थी जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया और ना ही कभी भूल सकूंगा, वो थी मेलिना। और यहीं से मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी में हमें सोसाइटी के बारे में बताया गया है कि हमारी सोसाइटी एक अकेली औरत के लिए कैसी है। और ये मूवी आपको कितनी पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।